सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ जियोग्राफी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, इसमें जो है मिनिमम कट ऑफ के बारे में और डिटेलिंग्स और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है डिटेलिंग्स कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस मैं बता दूँ, सबसे पहले जो हमारे से इसमें पूछा गया था एग्जाम पैटर्न के बारे में पूछा गया था और सिलेबस के बारे में पूछा गया था और उसके साथ जो है क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं। जो पेपर फर्स्ट में एमपी नेशनल इंटरनेशनल लेवल जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर होते हैं। टोटल क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चन आपका 50 होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 200 का होता है। ड्यूरेशन 1 आवर्स की प्रोवाइड की जाती है। और पेपर जो सेकंड होते हैं सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं और टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। टोटल मार्क्स आपका जो है 600 का होता है और ड्यूरेशन 3 आवर्स प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 होते हैं और नंबर ऑफ़ जो मार्क्स आपका होते हैं 800 का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है 4 मार्क्स के होते हैं। ये है प्रोसेस। और फिर इसमें सिलेबस की बात कर लें तो इसमें जो सिलेबस देखने को मिलेगा, बायो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कॉमर्स, डांस, इकोनॉमिक्स, आपका इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, मराठी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, वेदा, जूलॉजी, मिलिट्री साइंस, उर्दू केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, म्यूजिक ओवल, म्यूजिक, ड्रॉइंग, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत, संस्कृत पर्च, फिलोसफी, इतने सारे सब्जेक्ट MPBSC जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिलेगा। मैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात कर लें तो इसमें जो जनरल का 40 से 60% और ST का 30 से 50%, SC का भी 30 से 50%, यानी कि OBC WS का जिसका 30% है इसको जो 50% लेके चलिएगा, क्योंकि जो है अगर आप छोटा टारगेट बना चलेंगे तो आप क्वालिफाइंग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जो मिनिमम रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, तो इसमें 40 के 60% और 30 का 50 लेके चलेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन होना पक्का है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो इसमें जो है रिटेन का 800 मार्क्स है, इंटरव्यू का आपका 100 मार्क्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो क्वालिफाइंग होंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। जियोग्राफी के इसके कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ तो जनरल का जो है 395 से 402 तक, OBC का 390 से 400 तक, SC का 360 से 370 तक और ST का 350 से 355 तक, EWS का 380 से 390 तक कट ऑफ बनेगा। अगर आप इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपका जो डिटेलिंग्स कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसका डिटेलिंग्स कट ऑफ आपका जो है 400 का जो है 495 बनेगा, इसका जो है 490 तक बनेगा, इसका जो है 460 तक बनेगा, इसका 450 तक बनेगा और EWS का जो है 480 तक इसका कट ऑफ बनेगा। ये जो है डिटेलिंग्स कट ऑफ के बारे में बताए हैं, यानी कि आपको 100 स्टार्टिंग में 100 आपको मार्क्स इंक्लूड कर देना है, आपकी डिटेलिंग्स कट ऑफ बन जाएगी और जो भी कट ऑफ रिलीज किया जाता है एग्जाम में वो डिटेलिंग्स कट ऑफ रिलीज किया जाता है। अगर आप ये डिटेलिंग्स कट ऑफ जितना मैंने बताया है अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं डिटेलिंग्स कट ऑफ का जो है 100+ इंक्लूड करेंगे तो आपका डिटेलिंग्स कट ऑफ जो है क्रिएट हो जाता है। तो आप डिटेलिंग्स कट ऑफ चलेंगे तो आपका जो जियोग्राफी पर इतना कट ऑफ डिटेलिंग्स का आता है तो आप जो सिलेक्शन आपका पक्का है, आपके लिए इंटरव्यू कॉल आएगी, आप मेल आएगा। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चलो वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ।